आज का ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके डिवाइस में 5G शो करता है, वीओ एनआर भी शो करता है, बट जैसे वो कॉल करने जाते हैं ये डायरेक्टली जो हमारा स्विच कर जाता है 4G के ऊपर और वीओ एनआर हट के ये LTE बन जाता है। मैंने इसके पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे नॉन सपोर्टेड 5G रोम के अंदर 5G एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी स्पेशली मी 11X डिवाइस के लिए, जो कि मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आपका वीओ एनआर का आने वाला है। तो आज यही वीडियो होने वाला है कि कैसे आप ये एक्टिवेट कर सकते हो अपने किसी भी रोम के अंदर जिसमें आपका है जो 5G डायरेक्ट स्विच कर जाता है कॉलिंग के टाइम पे 4G पे। और आप सभी को पता है कि जब डेटा एंड हो जाता है 4G का लिमिटेड जो डेटा रहता है डेली का, उसके बाद आप वीडियो कॉल भी नहीं कर पाते, लेकिन जैसे आप वीओ एनआर की सर्विस एक्टिवेट कर लोगे आप वीडियो कॉल इजिली कर पाओगे अपना 4G डेटा खत्म होने के बाद, क्योंकि सारी कॉलिंग आपकी वीओ एनआर से होने वाली है। बट इसका क्या है प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये आपने किसी भी कस्टमर रोम पे कर सकते हो, क्योंकि MIUI पे बाय डिफॉल्ट आपका फिक्स रहता है बट नहीं रहता, तो आपको वो SA वाला जो कोड इनेबल करके करना पड़ता है ना वो कर लेना, और बाकी जो स्टेप बताऊंगा वो कर लेना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये स्पेशली कस्टम रोम यूजर्स के लिए है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक रोम यूज कर रहा हूँ जो कि हमारा MIUI है, लेकिन आप कोई भी AOSP रोम या ऑक्सीजन OS रोम, पोर्ट रोम वगैरह डालते हो, कोई भी रोम डालते हो, उस पर ये मेथड फॉलो कर सकते हो और VoNR सर्विस आप एक्टिवेट कर पाओगे। ये जो मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ ये Mi 11X है और इसे प्रॉपर काम करता है। आप चाहो तो ये सेम मेथड बाकी अदर कस्टम रोम पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे 5G का सपोर्ट है बट VoNR काम नहीं करता, और कमेंट करके बताना कि बाकी अदर डिवाइस पे काम किया या नहीं किया। पहले आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो ना उसको रूट करना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट रूट के ये पॉसिबल नहीं होने वाला। तो आप दो तीन तरीके जानते हो, APACH का, KCU, KCUnest या Magix का। तो मैंने यहाँ पे सिंपली Magix को इंस्टॉल करके अपने फोन को रूट कर लिया है। अब रही बात रूट कैसे करना है, तो आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैंने पर्सनली दे रखा है, तो उसे देख के सिंपली आप रूट कर लेना किसी भी कस्टमर वगैरह को, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। बस रूट करने के बाद आपको एक APK इंस्टॉल करना है अपने फोन के अंदर, जो कि सभी क्वालकॉम डिवाइसेज के लिए है। आप इसे बाकी अदर डिवाइसेज भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ये रहा हमारा, इसको बस सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है और रूट का परमिशन आपको दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने परमिशन दिया, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो जाने के बाद ये ओपन करना है आपको, कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा रूट का, आपको ये परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रिपल डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाटा प्रेफरेंस आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके आ जाना है जहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कि हमारा वॉइस ओवर NR है, इसे आपको ऑन कर देना है। ये जो आपका चैन है इसे आपको ऑन कर देना है, उसका जो स्टैंडअलोन मोड है इसे आपको एक बार ऑन एंड ऑफ कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट भी कर सकते हो अगर ये प्रोसेस में आपका दिक्कत आ रहा है, काम नहीं कर रहा है सारे ऑन करने के बाद, तो अदरवाइज नॉर्मली ये काम कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करेंगे आपका VoNR तो पहले से शो कर ही रहा था, अभी भी हमारा शो कर रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब हम कॉल करके देखेंगे कि क्या ये फिर से 4G पे स्विच कर रहा है या VoNR से कॉलिंग हमारी हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो स्टिल ये 4G पे हमारा स्विच कर गया है। तो अब क्या करना है, आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, एक नंबर यहाँ पे डायल करना है आपके कीपैड के ऊपर जो कि आपका इस तरीके से होगा, ये नंबर दिखाई दिया, लास्ट में स्टार डालो, इस तरीके से आपका फोन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको बॉटम पे जाना है जहाँ पे आपको इस तरीके से नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको NR ओनली सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेस कब करना है, जब आपका है जो अप्लाई करने के बाद कॉलिंग के टाइम फिर से 4G पे स्विच कर रहा है तब, अदरवाइज बहुत सारे रोम्स के अंदर ये प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया ना कोड वाला, ये करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट वहीं सेटिंग अप्लाई करने के बाद आपका VoNR परमानेंट फिक्स हो जाता है, बट नहीं होता तो ये आप कर लेना। आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क हमारा स्टिल अवेलेबल है और कोई भी यहाँ पे नेटवर्क में एरर नहीं आया, VoNR अभी भी स्टिल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे फिर से वापस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कॉलिंग चल रहा है और यहाँ पे स्टिल हमारा जो है VoNR अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं ब्राइटनेस को थोड़ा और तेज कर देता हूँ, ये हमारा जो रिमूव नहीं हो रहा ये स्टिल अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और वन टाइम ये फिक्स हो गया। बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि वन टाइम में मेरा फिक्स हुआ, मैंने आपको दिखा दिया, बट जरूरी नहीं कि आपका वन टाइम में ये फिक्स हो जाएगा। आप कॉल करोगे बार बार आपका कॉल है जो डिसकनेक्ट होते रहेगा कुछ इस तरीके से, और आपका यहाँ पे बार बार 4G से 5G स्विच होते रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो मैंने अभी नंबर डायल किया है ना उसे आपको फिर से डायल करना है। अगर आपका ये ठीक नहीं होता और कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो आप फिर से आ जाओ उसी नंबर के ऊपर, फोन इन्फॉर्मेशन पे जाओ, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो ये NR ओनली है इसे आप NR और LTE सेट कर दो, उसका तो वापस आओ और कॉल करो, और वैसे मैं देखोगे आपका कॉल लग रहा है या नहीं, नहीं लग रहा तो एक बार डिवाइस को जस्ट रीस्टार्ट कर लो। वापस से आप यहाँ पे आ जाओ, इसके ऊपर यहाँ पे सेटिंग पे चले जाओ, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये सेट
सेटिंग ऑफ हो चुका है तो इसे आपको वापस से ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से, और आपका रिमूव हो जाता है तो रिमूव होने दो, और ये जो स्टैंड अलोन फीचर्स है ना इसे एक बार आप ऑन एंड ऑफ कर लो, वापस से आप कॉल ट्राई करो और आपका फिर से क्या होगा कि ये जो 4G पे स्विच होने लग जाएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे ये चीजें होने लग जाती है आपकी वापस से, जो कि कॉल डिस्कनेक्ट होने लग गया था, तो वापस से फिर ये नंबर को आप डाल दो यहाँ पे और फिर से आपका फोन इन्फॉर्मेशन खुलेगा, और खुलने के बाद अब आप इसे NR ऑनली कर लो। अब यहाँ पे आपका जो कॉल डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा था ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आपका यहाँ पे NR कॉल होने लग जाएगा और यहाँ पे आपका है जो कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें करते हो ना तो आपका बार बार कॉल डिस्कनेक्ट होने लग जाता है और फिर आपका है जो यहाँ पे कॉल में दिक्कत आती है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कॉलिंग काम करना है अच्छे तरीके से, और जो बार बार हमारा 4G पे स्विच हो रहा था वो भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप वीओ एनआर कॉलिंग इनेबल कर सकते हो, और अगर आपका 4G का डेटा खत्म भी हो जाता है तो अभी आप वीडियो कॉल कर पाओगे बाय डिफॉल्ट डायलर से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आती है तो कैसे ठीक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बस एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसका हेल्प लेना है आपको वीओ एनआर कॉलिंग को इनेबल करने के लिए, और ये आप बाकी अपने अदर डिवाइस में भी ट्राई करके देख के कमेंट करके बता सकते हो कि काम किया या नहीं, क्योंकि ये पर्सनली मी 11X के लिए बना था, क्योंकि यहाँ पे बैंड वगैरह थोड़े कम थे और कस्टमरों में थोड़ी दिक्कतें थी, तो ये चीज़ें थी। बाकी स्टॉक रोम में तो आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है तो वहाँ पे यूज करने के मतलब नहीं बनता, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप इसे ट्राई कर सकते हो। एक सिंपल एप्लीकेशन है और जो मैंने सेटिंग बताया वही आपको करना है, बाकी अदर सेटिंग में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसे रहता है वैसे ही आपको यहाँ पे रहने देना है। सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी कस्टम रोम वगैरह में VoNR के अलावा 5G का दिक्कत आता है, वो भी स्पेशली मी लिनक्स यूजर्स के लिए, तो मैंने वीडियो दिया है वो आप देख लेना ताकि आप उसे सॉल्व कर पाओ और अपना जियो 5G इनेबल कर पाओ। और मैंने एक प्रीमियम चैनल भी स्टार्ट कर रखा है, उसे आप चेकआउट कर लेना, शायद आपको लगे कि हाँ काम की चीज़ है तो आप ज्वाइन कर लेना, काम की ना लगे तो आप उसे इग्नोर भी मार देना। अभी जो मैंने चेक किया है ये है हमारा यहाँ पे एक माई UI का पोर्ट वर्जन हमारे मी 11X डिवाइस के लिए, इसका भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचना कि भाई मैंने इस पे ठीक करके दिखाया तो बाकी पे काम नहीं करेगा, नहीं सब पे काम करेगा, जहाँ पे VoNR की आपको दिक्कत आ रही है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद। लेकिन हाँ कंपलसरी है कि आपको रूट एक्सेस देना पड़ेगा तभी ये चीज़ काम करेगी। ओके मिलते हैं स्टूडियो में, बाय बाय।